Welcome back, students. Adaptations in animals revision work. 31st August को ये work हमने complete किया था. Write down the types of animals living in different habitats. हम लोगों ने different habitats plants के बारे में भी study की थी कि अलग अलग habitats में कौन कौन से plants पाए जाते हैं. Same here question. Different habitats, अलग अलग आवास स्थान पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में हमें बताना है. और अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स अलग अलग स्थान कौन से हैं. टेरेस्ट्रियल ज़मीन की बात हो रही है यहाँ. एक्वाटिक यानी पानी के अंदर, अंडर वाटर. एम्फेबियंस दैट मीन्स पानी के अंदर भी और ज़मीन पर भी, दोनों जगह ये एनिमल्स सर्वाइव करते हैं लाइफ को. एर्बोरियल एनिमल्स जो ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं. एर्बोरियल मीन्स जो ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं. एरियल एनिमल्स जो हवा में रहते हैं पक्षी, ठीक है, जिनका ज़्यादातर समय हवा में व्यतीत होता है. TERRES टेरेस्ट्रियल, TRIAL टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एक्वाटिक AQUA TIC एक्वाटिक. एम्फीबियंस AMPHIBIANS एम्फीबियंस. एर्बोरियल ARBOREAL एर्बोरियल. लास्ट वन इज एरियल AERIAL एरियल एनिमल्स. मेरे साथ साथ सभी बोलना बेटा, ध्यान से स्पेलिंग भी ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए. प्लीज़ बी केयरफुली. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स. ठीक है, बहुत ध्यान से. कहीं भी आपको तकलीफ़ है कि हमें समझ नहीं आया टॉपिक, या आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, देन मैसेज मी. आई टीच यू अगेन एंड अगेन. मैं आपको बार बार समझाऊंगी. तब भी कोई दिक्कत है आप मुझसे कॉल कीजिए. नॉट इवन मैसेज, यू कैन कॉल मी. आप मुझे कॉल कीजिए कि मैम हमें ये बोलना नहीं आ रहा, हमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, देन आई विल टीच यू. आई विल गिव यू स्पेशल टाइम. थैंक यू. व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब आपको यहाँ क्या बताना है, ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ना, उनकी विशेषताएँ बतानी है. फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएँ. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन. इनकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं दौड़ने के लिए. दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ. इनके जो टीथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ हाइबरनेशन. हाइबरनेशन के लिए बहुत बच्चों ने पूछा कि हाइबरनेशन क्या होता है, जबकि मैं एट द टाइम ऑफ हैविंग क्लास, जब हम लोग क्लास लेते हैं तब भी मैं आप लोगों को बार बार समझाती हूँ कि एक ऐसा टॉपिक जो हमें समझ नहीं आता उसे मैं बार बार रिपीट करती हूँ. लॉन्ग स्लीप बाय एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, दैट्स इट. लंबे समय तक सो जाना जानवरों का ड्यूरिंग विंटर सीजन, यानी सर्दियों के मौसम में. ठीक है. और यहाँ सोने का मतलब होता है छिप जाना. स्लीप मतलब सोना, दैट मीन्स छिप जाना. हाइबरनेट करना मतलब छिप जाना. व्हाट डू यू मीन बाय स्कैवेंजर्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्कैवेंजर्स, SCAVENGERS. अब ये कैटेगरी और इन कैटेगरीज को मिक्स मत करना. ये हैबिटेट हैं, ये जगह है रहने का स्थान, और ये वो कैटेगरी है जहाँ उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया गया है. नीचे वाले क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह मैं फिर से बताऊंगी. व्हाट डू यू मीन बाय स्कैवेंजर्स, SCAVEN स्कैवेंजर्स. एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. वो जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं. नंबर 5, डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. देखो यहाँ कौन सी कैटेगरी के बारे में बताया है, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, और ये कौन सी कैटेगरी हमने एक्सप्लेन की है, उनके रहने के बारे में, उनका आवास स्थान. अगर आप एक्वाटिक एनिमल को टेरेस्ट्रियल एनिमल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स मर जाएंगे. एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल मीन्स ज़मीन पर. अगर आप मछली को ज़मीन पर ले आएंगे तो वो मर जाएगी, और अगर आप गाय भैंस को पानी में डाल देंगे तो वो भी मर जाएंगी. तो यहाँ उनके कुदरती आवास की बात हो रही है, और यहाँ खान पान की बात हो रही है, उनकी ईटिंग हैबिट्स. कार्निवोर्स एनिमल्स
जो केवल मांस मीट खाते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, ओमनीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स जो इन दोनों को खाते हैं यानी जानवरों को भी और पेड़ पौधों को भी, ओमनीवोर्स। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों से अपना भोजन लेते हैं और ये ज़्यादातर खून चूसने वाले जानवर होते हैं, जैसे मच्छर दूसरे लोगों से खून चूस के अपनी भूख मिटाते हैं। स्केवेंजर्स ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था अभी, ईट द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ग्रैनीवोर्स, ग्रेन मतलब दानेदार चीज़ें, गेहूँ चावल चीनी बाजरा, ग्रैनीवोर्स जो सिर्फ दानेदार चीज़ें खाते हैं। पक्षी गेहूँ चावल खाना पसंद करते हैं, बाजरा खाते हैं, ठीक है। गिलहरी स्क्वायरल वो भी दानेदार चीज़ें खाती है, ठीक है, समझ आया। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स, स्केवेंजर्स, ग्रैनीवोर्स। नाउ नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ एम्फीबियंस। अब आपको एम्फीबियंस के स्पेशल फीचर्स के बारे में बताना है। एम्फीबियंस वो जानवर जो पानी के साथ साथ ज़मीन पर रहते हैं। स्पेशल फीचर क्यों पूछा गया है यहाँ सिर्फ एम्फीबियंस का, क्योंकि यहाँ सभी सिर्फ एक ही हैबिटेट को फॉलो करते हैं, ये ज़मीन पर, ये पानी में, ये पेड़ों पर और ये हवा में, लेकिन एम्फीबियंस को दो जगह रहने का राइट है, यानी दो जगह रहने के स्पेशल फीचर है उनके पास। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी ज़मीन के साथ साथ ये पानी में भी रहते हैं, तो प्लस पॉइंट है इनका। पानी के अंदर भी जा सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग एम्फीबियन को एक्वाचिक को टेरेस्ट्रियल नहीं बना सकते और टेरेस्ट्रियल को एक्वाचिक नहीं बना सकते, लेकिन कुछ जानवर एम्फीबियंस होते हैं। लाइक फ्रॉग की अगर हम बात करें, फ्रॉग मेंढक पानी के अंदर पैदा होता है, पानी के अंदर ही बड़ा होता है, पानी के अंदर रहते ही उसके हाथ पैर सब कुछ आते हैं, उसकी पूंछ गायब हो जाती है, ठीक है। वो पानी के अंदर स्किन, अपनी स्किन से सांस लेते हैं, लेकिन पानी के बाहर वो लंग्स से सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर व्हेन इन वाटर, जब वो पानी के अंदर होते हैं तो स्किन से सांस लेते हैं, एंड थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड, जब ज़मीन पर होते हैं तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। अंडरस्टैंड एम्फीबियंस, आप समझ गए होंगे।